स्टूडेंट्स, दिस इज महेंद्र पांडे। डेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा अकाउंट्स ग्रुप, कैसे हम ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप होते क्या हैं, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में जाना। आज की क्लास जो है मेरी प्रैक्टिकल क्लास है डेयर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, टैली में हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप को हम कैसे अल्टर करते हैं तथा ग्रुप को हम कैसे डिलीट करते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली आप लोग क्लास को देखिएगा। चलिए देखते हैं ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं। हम आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर डियर स्टूडेंट्स। इसमें गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर मेनू है, मास्टर के अंतर्गत आपका अकाउंट्स इन्फो है डियर स्टूडेंट्स। तो हम अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करते हैं। आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप एंड क्विट। तो हमें ग्रुप्स पर जाना है डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप हमें क्रिएट करना है। हमें आप लोगों को ग्रुप कैसे क्रिएट करा जाता है ये बताना है। तो हम ग्रुप्स पर एंटर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत ग्रुप्स है डियर स्टूडेंट्स। इसमें दो टाइप के ग्रुप्स क्रिएट हम कर सकते हैं, एक सिंगल ग्रुप्स एंड मल्टीपल ग्रुप। सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? सिंगल ग्रुप में हम एक एक ग्रुप को क्रिएट करेंगे और उसे सेव करते जाएंगे। मल्टीपल में हम इकट्ठा कई सारे सब ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर इकट्ठा बना करके तब हम उसे सेव करेंगे। तो हम देखते हैं ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, हम दोनों में आपको ग्रुप क्रिएट करके दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप 28 है कुल, जिसमें 15 आपके प्राइमरी हैं और 13 आपके सब ग्रुप्स हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी ग्रुप लिस्ट खुल करके आ गई है, बट हम ग्रुप के उस अंडर ग्रुप को हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ ऑल आइटम पर चले जाते हैं। ऑल आइटम में आप देख पा रहे हैं कुल 28 ग्रुप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें 15 आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं एंड 13 आपके सब ग्रुप्स हैं डियर स्टूडेंट्स। वैसे हमें ग्रुप एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, बट अगर हम बनाना चाहें, हमें आवश्यकता पड़ती है कंपनी में, बड़ी ट्रांसपेरेंटली रखना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो हम सब ग्रुप्स क्रिएट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं, देखते हैं ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं। हम बैक करके चले जाएंगे और हम आ जाते हैं सिंगल ग्रुप में क्रिएट पर। आप देख रहे हैं सिंगल ग्रुप हो या फिर मल्टीपल ग्रुप हो, उसमें तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। क्रिएट से हम बनाते हैं, डिस्प्ले से हम उसे देखते हैं एंड अल्टर से हम उसमें सुधार करते हैं, या फिर अल्टर पर ही जाकर के हम ग्रुप को डिलीट भी करते हैं। ऐसे ही मल्टीपल में है, क्रिएट से हम जाकर के बनाएंगे, डिस्प्ले से जाकर के उसे हम देखेंगे एंड अल्टर से हम जाकर के उसमें सुधार करेंगे या फिर हम उसे डिलीट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्रिएट कैसे हम करते हैं। क्रिएट परमिशन की स्क्रीन आपके सामने आ गई है। आप देख पा रहे हैं ग्रुप क्रिएशन, उसके अंतर्गत नेम है, एलियस है एंड अंडर है डियर स्टूडेंट्स। एक चीज हम और कर सकते हैं, जैसे इसमें हम और एक्स्ट्रा फीचर्स, एडवांस फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है, तो हम F12 करके हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां जाकर के हम यस कर दें तो हमारे सामने एडवांस फीचर्स में एक्स्ट्रा सेटिंग्स आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम आप लोगों को ग्रुप क्रिएट कैसे करा जाता है ये हम बताएं, इसको बंद कर दे रहा हूं, आप इसको अगली क्लास में देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं। नेम, जिस नेम से हमें सब ग्रुप क्रिएट करना है वो हम नेम यहां डाल देते हैं। एलियस है, एलियस में हम एक उपनाम कह करके कर सकते हैं, या अपने हम रिकॉर्ड को जो हमने एक्सपेंसेस या जिस चीज का हमने ग्रुप बनाया है उसको हम अलग नेम से भी जानने के लिए यहाँ एक नेम ऐड करते हैं, एलियस। यहाँ पर हम उसका उपनेम दे सकते हैं या फिर हम कोई अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको एक कोड की तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं, या हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई बहुत जरूरी या मैंडेटरी नहीं है ये कि हम इसको करें ही। अंडर में हम जिस ग्रुप के अंतर्गत हमें सब ग्रुप क्रिएट करना है वो हम अंडर में चुनाव करते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं, मान लीजिए हमारी ऑफिस में एक्सपेंस को हम मैनेज करना चाहते हैं, तो हम एक एक्सपेंस का ग्रुप आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस एक्सपेंस का ग्रुप बनाना चाहते हैं, ऑफिस एक्सपेंस मैंने नेम में डाल दिया। अगर हमें अलियास डालना चाहते हैं तो हम यहां डाल दें EX002 या ऐसे कुछ भी हम डाल सकते हैं, कोई भी कोड हम इसमें ऐड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंटर करके हम आते हैं, यहाँ पर हमें ग्रुप का चुनाव करना होता है। आप देखते हैं जैसे ही हम अंडर पे सिलेक्शन में आया, लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल करके आ गया डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ ग्रुप। इसमें वही 28 ग्रुप्स हैं जिसके अंतर्गत आपको ग्रुप बनाना है। तो यहाँ से हम एक्सपेंसेस का हम ग्रुप बना रहे हैं, सब ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
चुनाव कर लिए डियर स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्रुप क्रिएट हुआ कि नहीं। एंटर करेंगे डिस्प्ले पर जा करके, हमने बनाया है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। आप देख पा रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बन करके आ गया है। इसमें मैंने बताया एक उपनेम जो आता है, देखिए उपनेम EX002 से भी हम इसे सर्च कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, या हम एलियस से सर्च कर लें, या फिर डायरेक्टली हम ऑफिस एक्सपेंस से जाकर के उसको हम सर्च कर लें। इस तरीके से हम देख पाएंगे। तो हम डिस्प्ले से देख लेते हैं जो हमने ग्रुप क्रिएट किया होता है। हम चलते हैं एक ग्रुप मल्टीपल से क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। मल्टीपल में क्या करना है, सिंगल ग्रुप में आपने सबसे पहले नेम लिखा, लेकिन मल्टीपल में आपको क्या करना होता है, हमको पहले ग्रुप का चुनाव करना होता है। जिस ग्रुप के अंतर्गत हमें सब ग्रुप क्रिएट करना है वो ग्रुप का हम चुनाव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम एक्सपेंसेस का ही बता रहे हैं, अगर हम सिंगल एक्सपेंसेस पर ही काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेंसेस लिख करके यहाँ इसमें अंडर ग्रुप में चुनाव कर लें। और हमने जैसे यहां बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। जब हमने अंडर ग्रुप का चुनाव कर रखा है पहले से ही, तो हमें केवल ग्रुप नेम देना होता है, अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाता है। इस तरह से हम बना सकते हैं। बट अगर हमें एक में ही अलग अलग ग्रुप के सब ग्रुप क्रिएट करने हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम बैक करके चले जाते हैं और यहां पर हम ऑल आइटम्स का चुनाव कर लेते हैं। ऑल आइटम्स कर देने से हम एक ही विंडो पर अलग अलग सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब अलग अलग ग्रुप का सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक एक्सपेंस का बनाया, मान लीजिए हमें एक सैंडी डेटर बनाना है। डेटर को भी हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, क्रेडिटर को भी हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे हम अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, हम एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो हमें अपने डेबिटर्स को व्यवस्थित करने में, अगर हम वैसे बना रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं तो एक नाम से कई डेबिटर हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर हम उसको स्टेट वाइज कर लेते हैं तो हमें ढूंढने में आसानी होती है। तो हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल में आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे मैंने एक सेल्समैन नाम का एक मैंने लेजर सब ग्रुप क्रिएट किया। मान लीजिए ये हमारा सन्ड्री डेटर है, तो सन्ड्री डेटर हम इसमें चुन लेंगे डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से। ऐसे ही हम जितने भी ग्रुप हमें क्रिएट करने हैं, आपने देखा कि जब हम यहाँ, चूंकि हमने यहाँ पर ऑल आइटम सेट कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, और ऑल आइटम सेट होने के नाते जब हम सेल्समैन का सब ग्रुप बना रहे हैं, तो जैसे ही अंडर ग्रुप में मेरा कर्सर आया, तुरंत हमारे सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल गया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने ग्रुप का चुनाव करना था, और इससे पहले मैंने आप लोगों को अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करके दिया था। जब हमने इसका ग्रुप बनाया तो अंडर में डायरेक्टली ग्रुप सेलेक्ट होकर के आ गया, मतलब उसके लिए कोई लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल करके नहीं आया। इस तरह से हम जितने भी अंडर ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बना सकते हैं। कंप्लीट बनाने के बाद हम यहां से एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे तो ग्रुप सेव हो जाएंगे। अब हम चल के डिस्प्ले करके देखते हैं, हम चाहे सिंगल ग्रुप में ग्रुप बनाएं या फिर हम मल्टीपल में ग्रुप बनाएं, हम डिस्प्ले कहीं से भी कर सकते हैं, चूंकि एक ही चीज है। केवल हम उसको बनाने का, उसको लिखने का, बनाने का तरीका केवल थोड़ा सा चेंज है डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ चलते हैं डिस्प्ले करा करके देखते हैं और यहाँ हम ऑल आइटम्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कुल 30 ग्रुप्स क्रिएट होकर के आ गए। 28 पहले से अवेलेबल था, 2 ग्रुप्स एक्स्ट्रा बन करके आ गए जिनका अंडर ग्रुप ये दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत 2 आपके बन गए हैं और 1 आपका सन्ड्री डेटर के अंतर्गत सब ग्रुप बन गया है। तो इस तरह से हमने 3 ग्रुप क्रिएट करके आप लोगों को दिखाया डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं देखते हैं हम अल्टर कैसे करते हैं। हम सिंगल ग्रुप में भी अल्टर करके दिखाते हैं और मल्टीपल में भी करके दिखाते हैं। सिंगल में अल्टर करके दिखाते हैं आप लोगों को। अल्टर पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को अल्टर करना है। हम यहां आ गए, हम इसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ना करके एडवर्टीजमेंट हम कर दें। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने बना दिया। हम इस तरह से अल्टर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको अल्टर कर सकते हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल में जाकर के आपको अल्टर करके दिखाते हैं। अल्टर पर चले जाएंगे, यहां से ऑल आइटम कर लेते हैं और सेल्समैन को हम यहां से अल्टर कर लेते हैं। सेल्समैन की जगह पर हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए
संजीव कर देते हैं, ये मैंने ऐसे बना लिया संडी डेटर में। इस तरह से हम उसको डियर स्टूडेंट्स अल्टर कर सकते हैं और फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा अल्टर होकर के आगे अब हम जिसको चेक करना चाहते हैं कि डिस्प्ले करके हम देखना चाहते हैं कि कैसे क्या मेरा जो मैंने अल्टर किया क्या वो परिवर्तित हुआ या नहीं। आप देख पा रहे हैं संजीव करके मेरा ग्रुप अल्टर होकर के आ गया, यहाँ संजीव होकर के आ गया। किसी भी ग्रुप को बने हुए ग्रुप को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अल्टर पर जाकर के ऐसे कर लेते हैं। यहाँ हम ग्रुप में जाते हैं और इस तरह से हमें अल्टर करना है, सिंगल में ही हम अल्टर करके यहाँ से इसको ग्रुप को डिलीट कर लेते हैं। चाहे हम मल्टीपल में बनाए हों चाहे हम सिंगल में बनाए हों, हमें अल्टर करना है तो हम सिंगल में जा करके डायरेक्टली उसको हम सॉरी डिलीट करना है तो हम वहाँ से जा करके डायरेक्टली डिलीट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा लेजर ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल में भी कैसे क्रिएट करते हैं और सिंगल ग्रुप में हम ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप को हम अल्टर कैसे करते हैं, ग्रुप को हम डिलीट कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने कंप्लीट ग्रुप को मैनेज कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने सीखा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे का टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डियर स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना, गुड डे, थैंक यू।